दोस्तों आज हम आपको उन चार मूर्तियों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर में रखने से बर्बादी और मौत के सिवाय कुछ नहीं आता। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार घर में सभी देवी देवताओं के लिए एक अलग से ही स्थान बनाया जाता है। हिंदू धर्म में जैसे जैसे देवताओं के लिए स्थान बता रखे हैं, लोग ने वैसे ही अपने घर में देवताओं को स्थापित किया है। आप सभी के घर में ही देवी देवताओं का मंदिर तो जरूर होगा, उसी के साथ उन देवी देवताओं की मूर्तियां एवं तस्वीर भी जरूर होंगी। सभी के घर में पूजा घर भी जरूर बना होगा, परंतु इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि घर में चार ऐसी देवताओं की मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर इन्हें घर में रख दिया जाए तो इससे घर में बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं आता, घर में सब कुछ अशांत रहता है। दोस्तों हर घर में मंदिर कई तरह के होते हैं, कुछ घरों में मंदिर छोटे होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाने के कारण हम मंदिर ऐसा बना देते हैं जिसके वजह से सिर्फ अशुभ ही होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का मेन गेट, कमरे, किचन, सीढ़ियाँ, घर का मंदिर, ये सब वास्तु दोष से मुक्त होने अति आवश्यक हैं। घर के सारे स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। घर में मंदिर वाला स्थान तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहीं हम आज आपको बताएंगे कि मंदिर से जुड़ी हुई कौन सी वह ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें घर पर स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर से जुड़े कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में बिना देखे ही ऐसे ही मंदिर बना लेते हैं तो उसका फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। मंदिर का स्थान घर में बहुत ही खास महत्व रखता है। घर की सुख शांति के लिए मंदिर का स्थान ही नहीं बल्कि उसमें रखी जाने वाली मूर्तियाँ और उसमें रखी जाने वाली चीज़ें भी उतना ही अधिक महत्व रखती हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आपको बता दें कि घर के मंदिर को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। कभी भी मंदिर में धूल मिट्टी आदि चढ़ी नहीं होनी चाहिए या फिर गंदगी नहीं आनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, मंदिर में हमेशा रोशनी होनी चाहिए। दोस्तों मंदिर में किसी भी तरह की खंडित मूर्ति आप न रखें। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई भी टूटी मूर्ति ना हो। आज हम चार ऐसे देवी देवताओं के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा घर पर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले देव हैं दोस्तों भैरव देव। भैरव देव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। दोस्तों भैरव देव की मूर्ति कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भैरव देव तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, परंतु घर के अंदर भूलकर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के बाहर आप ऐसा कर सकते हैं। घर के अंदर यदि भैरव देव की पूजा की जाती है तो घर में अनजानी घटना घटित होती है और वह घर बर्बादी की ओर जाता है। दोस्तों भैरव देव की मूर्ति को हमें घर के अंदर मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी मूर्ति के बारे में जिसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी मूर्ति है नटराज जी की। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो नटराज जी की मूर्ति को घर में रखते होंगे। नटराज की मूर्ति दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है। नटराज मूर्ति भगवान शिव की ही रुद्र रूप है, फिर भी दोस्तों नटराज की मूर्ति को आप भूल कर भी घर के अंदर न रखें, क्योंकि दोस्तों नटराज भगवान शिव के रुद्र रूप हैं, यानी भगवान शिव के क्रोधित रूप। हम मनुष्य में इतना साहस नहीं कि हम भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेल सकें, इसलिए नटराज की मूर्ति को आप भूलकर भी घर में ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में हमेशा अशांति रहती है, सभी को गुस्सा आता है और बहुत बड़े बड़े झगड़े घर पर हो जाते हैं। इसलिए शिव के इस रुद्र रूप को आप घर में बिल्कुल भी ना रखें। आप घर के बाहर नटराज की पूजा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इनकी पूजा आप ना करें, बल्कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनको आप घर के अंदर ना रखें। वहीं दोस्तों अब हम तीसरी मूर्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों तीसरी मूर्ति है राहु और केतु की मूर्ति। घर में राहु और केतु की मूर्ति को रखना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु और केतु को अति क्रियाशील ग्रह माना गया है। हालांकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं,
लेकिन राहु और केतु पापी ग्रह हैं। यदि आप इन तीनों की पूजा घर में करने की सोच रहे हैं तो आप अपने घर में अशांति को निमंत्रण दे रहे हैं। इनकी पूजा से कष्ट तो दूर होता है परंतु वास्तु के अनुसार घर में इनकी पूजा करने की मनाही है। हाँ, घर के बाहर आप इनकी पूजा कर सकते हैं पर घर के अंदर इनकी पूजा करने से तम गुण आता है। तम गुण यानी कि राक्षसी गुण। घर में इससे अनहोनी घटना होने लगती है। ऐसी ऐसी अनहोनी घटना होने लगती है जो कि हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और हमारा हर कार्य बनता बनता बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि राहु और केतु की मूर्ति को आप घर पर ना रखें और इसके साथ ही शनिदेव की मूर्ति भी। हाँ, आप बाहर इनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम चौथी मूर्ति की। हम घर में कई ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करती है, यानी जो देवता शेर की सवारी करते हैं। ये लाना अच्छी बात है लेकिन उस शेर का मुख यदि खुला हुआ हो तो ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सिंह की सवारी किए हुए देवता की मूर्ति आप घर में जरूर लेकर आएं, परंतु शेर उस मूर्ति या तस्वीर पर शांत होना चाहिए। ऐसी कोई भी मूर्ति आप घर पर ना लाएं जिस पर सिंह रुद्र अवस्था में हो, क्योंकि अधिकतर मूर्तियों में आपने देखा होगा कि माता शेर पर सवार होती है तथा उस समय माता क्रोधित रूप में होती है तथा माता का शेर राक्षस का वध कर रहा होता है और उसका मुंह खुला होता है और माता का ये रुद्र रूप होता है तथा साथ ही शेर का भी यह क्रोधित वाला ही रूप होता है। ऐसी मूर्तियां घर में अशांति और घर का हर कार्य बिगाड़ने वाली होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और देवताओं के क्रोध को हम नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप घर में भगवान की मूर्ति लाने की सोच रहे हो, क्योंकि घर में केवल मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जो पूरे घर में शुभता का वातावरण उत्पन्न करती है और ऐसे में यदि हम उस शुभ स्थान को ही अशुभ कर देते हैं तो उस दिन से ही हमारी बर्बादी आरंभ हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही पूजा से संबंधित या पूजा घर से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।